नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से 65 किलोमीटर दूर प्रकृति की गोद में बसा सिरपुर अपने आप में कई संस्कृतियों व विधाओं को समेटा हुआ है। इसी सिरपुर में 3 दिवसीय बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का कार्यक्रम छत्तीसगढ़ बौद्ध महासभा द्वारा किया गया। बौद्ध महासभा संघ के अध्यक्ष BS जागृत ने बताया कि बौद्ध संघ के द्वारा 14 मई से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यों से बौद्ध स्कॉलर, प्रोफेसर, विभिन्न शिक्षाविद सम्मिलित रहे। रविवार की शाम कार्यक्रम में शिरकत करने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिता नंद कुमार बघेल भी पहुँचे। उन्होंने कहा, धीमे धीमे हम भी बुद्ध के रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। शामिल हुए अतिथियों ने संस्कृति, दर्शन, इतिहास, कला एवं बुद्ध की शिक्षाओं पर देशना एवं व्याख्यानमाला तथा परिचर्चा किए। इस कार्यक्रम में प्रमुख वक्ता के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहने वाले लक्ष्मण यादव मौजूद रहे। लक्ष्मण यादव के हर एक शब्द को उपस्थित बुद्ध समुदाय के लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना एवं उनका अभिवादन किया। मंच पर उपस्थित डॉक्टर प्रोफेसर हेमलता महेश्वर ने भी लोगों का ध्यान आकर्षण किए एवं अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। नमस्कार, आप सभी का न्यूज प्लस 21 में स्वागत है। आज इस समय हम जो मौजूद है, ये अंतर्राष्ट्रीय, आप देख पा रहे हैं, बौद्ध अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद सम्मेलन का जो है कार्यक्रम रखा गया था सिरपुर में जो है, और लगभग 3 दिनों से लगातार ये कार्यक्रम चल रहा है। कल इसका जो है बौद्ध पूर्णिमा पर विशाल कार्यक्रम है और हमारे साथ लक्ष्मण जी मौजूद हैं। आइए बातचीत करते हैं थोड़ा और जानने का प्रयास करते हैं कि इस कार्यक्रम का जो है मुख्य उद्देश्य क्या रहा है। सर, आप इस आज बौद्ध के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं, क्या कुछ खास रहा? देखिए, आज ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव सिरपुर। ये एक ऐतिहासिक जगह है, यहाँ से तथागत बुद्ध का भी रिश्ता रहा है। यह एक बड़ा ऐतिहासिक स्थल है और जिस ऐतिहासिक स्थल के मिलने पे यहाँ आने का मकसद ये है कि एक विचारधारा है। तथागत बुद्ध एक विचार का नाम है, एक दार्शनिक का नाम है, जिसने दुनिया को शांति का, प्रेम का, करुणा का संदेश दिया, जिसने दुनिया को मनुष्य बराबर है इसका संदेश दिया। और आज उसी तथागत बुद्ध की धरती पर, उसी देश में नफरत का माहौल है, इंसान इंसान में भेद है, कोई बहुत गरीब है, कोई बहुत अमीर है, कोई जाति के नाम पर प्रताड़ित हो रहा है, कोई धर्म के नाम पर मारा जा रहा है। ऐसे बुरे वक्त में इस तरह के आयोजन में शामिल होना बहुत बड़ी बात है। अच्छा लक्ष्मण जी, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं और एक शिक्षक के रूप में, आप ये बताइए, क्या किसी विशेष जाति को टारगेट करके ये बताना कि बौद्ध बहुत धर्म अच्छा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, देखिए, बुद्ध की बात होगी, विचार की बात होगी, तो वहाँ न्याय की बात होगी, और जहाँ न्याय व समता की बात है वहाँ हमारी लड़ाई या बुद्ध की लड़ाई किसी जाति से नहीं है। बुद्ध की लड़ाई इस बात की है कि जाति के नाम पर कोई बहुत बड़ा और कोई बहुत छोटा न रह जाए, किसी को सम्मान, किसी को अपमान न मिले, किसी को अवसर, किसी को वंचना न मिले। यहाँ किसी जाति के खिलाफ तो है ही नहीं, बुद्ध तो सबकी बात करते थे, बुद्ध सबके न्याय और समता की बात करते थे। बुद्ध के नाम पर अगर इस तरह से अगर हम सोचेंगे तो वहाँ जाति का विरोध तो है ही नहीं, जातिवाद का विरोध है। इसलिए किसी जाति के विरोध में हम नहीं है, और न कम से जितना मैंने बुद्ध को पढ़ा है, जितना मैंने बुद्ध को समझा है, जितना इस कार्यक्रम का मकसद है वो यही है कि वैसा भारत बने जैसा बुद्ध बनाना चाहते थे। ठीक है, एक अंतिम सवाल और लोगों, क्योंकि युवा आपको बहुत चाहते हैं, सोशल मीडिया पर भी आप काफ़ी ट्रेंड करते हैं, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे आने वाले, क्योंकि कल ही बुद्ध पूर्णिमा है, युवाओं को क्या संदेश देना? युवाओं को मेरा एक ही पैगाम है, किसी भी मुल्क की जो तासीर होती है ना, वो युवाओं से पहचानी जाती है। कोई मुल्क बहुत तरक्की करे, इसकी शर्त है, इसकी बुनियाद ये है कि वो समाज कैसा है, उस मुल्क में रहने वाले बाशिंदे कैसे हैं, और उसके सामने, उस समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उससे टकराने और समाज को नई दिशा दिखाने की जिम्मेदारी उस दौर के युवाओं पर होती है। इसलिए युवाओं के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि इस समय जो कुछ भी उनके सामने हो रहा है उसका गहन विश्लेषण करें और ये देखें कि उनके सपनों का भारत क्या यही है, या एक ऐसा भारत बनना चाहिए जिसमें सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले, सबको सम्मान मिले और एक बराबरी का भारत बने, यही मेरा पैगाम है उनको। स्वर्णिम प्रबुद्ध भारत, इसके ऊपर मैं काफ़ी लंबा समय से मैंने शोध कार्य किया है। सम्राट अशोक का संबंध सिरपुर के धरती से भी रहा है। प्राचीन जो बौद्ध स्तूप है,
ये सम्राट अशोक के कार्यकाल में सिरपुर में निर्मित किया गया था, इसलिए सम्राट अशोक का भी अपना सिरपुर के धरती से प्राचीन काल में संबंध रहा है। सम्राट अशोक को लेके जिस प्रकार से हम एक मिशन चला रहे भारतवर्ष के अंदर में कि सम्राट अशोक का जो भारत था वो प्रबुद्ध भारत था, विशाल, दुनिया का सबसे विशाल भारत था। उस समय की सामाजिक स्थिति कैसे थी, उस समय की आर्थिक स्थिति कैसे थी, उस समय की शैक्षणिक स्थिति कैसे थी, उस समय के लिए सम्राट अशोक ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए क्या किया और उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी दुनिया में किस प्रकार से रहा। वो भारत जो दुनिया का सबसे विशाल भारत, सबसे अमीर भारत, जातिविहीन चरित्रवान भारत था, आज वर्तमान का जो भारत है वो जाति आधारित है, चरित्र का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। तो वर्तमान भारत को जातिविहीन चरित्रवान भारत बनाने के लिए सम्राट अशोक की नीतियाँ आज भी कितनी प्रासंगिक है, इस विषय को लेकर मैं सिरपुर के बौद्ध महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया, अपनी बात को पिछले दो दिन से मैं कंटिन्यू यहाँ पर रखा हूँ कि उस समय में बौद्ध महोत्सव, बुद्ध जयंती कैसे मनाई जाती थी, उस समय में लोग किस प्रकार से अपना उत्सव मनाते थे, इन सारे बातों को लेके मैं अपनी बात को यहाँ पे रखा हूँ। बाबा साहब ने भी 1956 में या 1955 में जो सोपारा नाला सोपारा करके बौद्ध स्तूप है, बम्बई से लगभग विरार की ओर हम जाते हैं, तो वहाँ पे बाबा साहब ने जो बुद्ध जयंती मनाई थी तो हार्डली 10 लोग भी नहीं थे, और वहाँ पे बाबा साहब ने स्वयं जो बुद्ध सूत्र का जो उपदेश दिया था वो बड़ा अनमोल था। मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने बौद्ध पूर्णिमा के अवसर पर हर्ष उल्लास के साथ में जो मनाने के लिए कहा, अशोक के पीरियड में जो मनाई जाती थी, वो फिर से पुनर्जीवित हो, इस दिशा में हमारा प्रयास है। मैं बीएस जागृत अध्यादेश का अध्यक्ष हूँ। सिरपुर का यह अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव विगत 5 वर्षों से मनाया जा रहा है, जहाँ देश विदेश से हजारों की संख्या में बौद्ध अनुयायी और अम्बेडकर अनुयायी उपस्थित होते हैं। सिरपुर बौद्ध विरासत की, जम्बूद्वीप की सबसे बड़ी राजधानी थी, जिसे सिरपुर के नाम से जाना जाता था। 2500 साल पहले सिरपुर के नाम से जाना जाता था, यह दक्षिण कौशल की राजधानी थी। आज वर्तमान में इसे सिरपुर के नाम से जाना जाता है। 639 ईस्वी में ह्वेनसांग इसी धरती पर आए हुए थे और वो लगभग 3 से 6 माह रहे, और यहाँ बुद्ध के इतिहास, सम्राट अशोक के इतिहास जो बौद्ध धरातल है, वहाँ के बौद्ध विहार, बड़े बौद्ध विहार, छोटे बौद्ध विहार, मठ, अशोक स्तंभ, पूजा का स्थान, व्यापारिक केंद्र जहाँ 10,000 बौद्ध भिक्षु विपसना करते थे, इन सारे स्थानों का भ्रमण करने के बाद वो यहाँ से संबलपुर गए और संबलपुर से फिर कलिंग का जो युद्ध क्षेत्र था अशोक सम्राट के समय का, उस पर भी उन्होंने अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद जब वो 6 वर्ष बाद चीन लौटे ह्वेनसांग जी, तब उन्होंने अपना भारत जम्बूद्वीप का इतिहास लिखा कि इससे बड़ी बौद्ध विरासत जम्बूद्वीप में कहीं नहीं थी, अर्थात नालंदा से बड़ी थी। यहाँ नागार्जुन जैसे अल्केमिस्ट जिन्हें 8-10 भाषाओं का ज्ञान था और अपने आप में एक बुद्ध की शिक्षाओं में वे बड़े परिपूर्ण थे, वे बौद्ध भिक्षु स्वयं बने, यहाँ बड़े पैमाने पर शिक्षा होती थी, उनका अनुशासन, उनकी पारदर्शिता, उनकी कुशाग्र बुद्धि और उनके ज्ञान को देखकर उन्हें नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया था। ये जो सिरपुर है यह बहुत बड़ी शिक्षा का केंद्र था, यहाँ विज्ञान की, साइंस की शिक्षा होती थी और यहाँ पूर्ण रूप से मनुष्य मानवता की ओर कैसे बढ़े, कैसे शीलवान बने, किस प्रकार मनुष्य में करुणा की भावना हो, लोगों का सम्मान करे, दूसरों का सम्मान करे, बुजुर्गों का सम्मान करे, इस प्रकार की बुद्ध की जो पारंपरिक शिक्षाएं थी वो श्रमण शक्ति सिरपुर में चलती थी, और इसे ही आगे बढ़ाने के लिए यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के बुद्धजीवी हैं, जो हमारी बहुत बड़े संगठन हैं,
जैसे मैं जिस संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, छत्तीसगढ़ जागो किसान के अध्यक्ष हैं रघुनंदन साहू जी, तथागत संदेश के डायरेक्टर हैं प्रोफेसर डॉक्टर रमेश सुखदेव साहब, जिला महासमुंद के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं संजय वासनिक जी, ऐसे हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि इस धड़ा को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएंगे। आज सिरपुर को कम से कम विश्व के 140 देश जानने लगे हैं कि सिरपुर है कहाँ, और आप लोगों ने इस सिरपुर की धरा पर आ करके यहाँ की विशेषताओं को जाना है, बुद्ध की शिक्षाओं को जाना है। धन्यवाद। मैं रघुनंदन साहू, सामाजिक कार्यकर्ता और इस आयोजन के संयोजक। हम लोग विगत कई वर्षों से सिरपुर में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन करा रहे हैं, और आगामी कल यानी 16 तारीख को, 16 मई को भगवान गौतम बुद्ध की जन्मदिन है। उसी दिन गौतम बुद्ध जन्म लिए थे, उसी दिन उसी तिथि में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसी तिथि में महापरिनिर्वाण हुआ था। और गौतम बुद्ध जी छत्तीसगढ़ की इस पावन धरती श्रीपुर में एक चौमासा बिताए थे, ऐसा इतिहास में उल्लेख है। तो उनकी यादों को ताज़ा करने के लिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है, और जितनी भी यहाँ बौद्ध विहार बने हैं, इमारतें बनी हैं, गौतम बुद्ध की जो मूर्तियाँ बनी हैं, ये हमारे पूर्वजों ने बनाया है ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि जो इमारतें बनी हैं, जो ईंटें बनाए हैं, जो वहाँ पे गारे से जोड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज ही होंगे, कहीं दूर से आकर के लोग नहीं ये काम किए होंगे। तो हम छत्तीसगढ़ के लोगों को, आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहते हैं कि हमको सिरपुर को जानना चाहिए और सिरपुर से हमको जुड़ना चाहिए। और इस धरती में एक महान और संत हुए बाबा गुरु घासीदास जी। सिरपुर बाबा गुरु घासीदास जी का ससुराल है, जिन्होंने मन के एक समान का संदेश दिया था 150 साल, लगभग 150 साल पहले। उसी बात को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने संविधान में वन मैन वन वोट वन वैल्यू कहा है। आप लोग सिरपुर के लिए सुनने के लिए, समझने के लिए, यहाँ की बातों को रखने के लिए आए रायपुर से, इसलिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के बाहर पूरे भारत में प्रसारित करने का जो मादा उठाया है, आप सबको बधाई हो। और ये जो कल जो बुद्ध पूर्णिमा है, इसके लिए भी पूर्व संध्या को बधाई। एक दो चीज बच गई, उसको मैं उल्लेख करूँगा। इस धरती पर, छत्तीसगढ़ की धरती पर अल्केमिस्ट था नागार्जुन, वो यहाँ की गुफा में रहता था, और दुनिया में सबसे पहले जो महिलाएं काजल आंचती थी, उसका आविष्कार नागार्जुन ने यहाँ की पहाड़ी, जिसको छिरी गोदरी बोलते हैं, वहाँ रह के आविष्कार किया। ये तथ्य पद्मश्री डॉक्टर ए के शर्मा ने अपने शोध प्रबंध में लिखा है, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ। दूसरा, पद्मश्री डॉक्टर ए के शर्मा ने यह कहा कि 7वीं शताब्दी में महिलाएं इतनी जागरूक थी कि वो भिक्षुणी के रूप में रहती थी, क्योंकि खुदाई में चूड़ियां मिली हैं और भिक्षुणी भी शिक्षा दान करती थी। जब वेनसांग और फाहयान यहाँ आए, चीन से पैदल आए, तो उनको इंटरव्यू देना पड़ा नालंदा यूनिवर्सिटी में। जब वो इंटरव्यू क्लियर किए, उसके बाद उनको भारत भ्रमण की संज्ञा दी गई, उसके बाद वो वाइस चांसलर है। जब वो नागार्जुन यहाँ की संपत्ति का, यहाँ की बौद्धिक साहित्यिक संपत्ति का जब चीन गए, तो 20 गधों में उन्होंने 20 बोरे यहाँ से ले गए, और नागार्जुन का भव्य स्वागत हुआ। और उन्होंने कहा ये सिरपुर की धरती, जिसको दक्षिण कौशल कहा जाता था, ये अद्भुत बौद्धिक संपदा है, अब बुद्ध की विरासत है, ऐसा उन्होंने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, पुनः नमस्कार। देखिए, आज ये सिरपुर में जो 3 दिन का अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव है, ये एक सांस्कृतिक महोत्सव है, और आज उसका दूसरा दिन था। आज हम लोग इसमें शामिल हुए, देश भर के तमाम बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, और बुद्ध पूर्णिमा, बुद्ध जयंती के साथ ये एक वैचारिक और सांस्कृतिक मंच है, जिसका मकसद ये है कि इस समय इस देश में जो भी माहौल है, जो विचारधाराओं का संकट हम देखते हैं, कि एक विचारधारा की चुनौती है कि जो इसे, इस राष्ट्र की विविधता को, इसमें जो साझापन था, सबको सबके हिस्से का हक मिले, इन सब की बजाय एक खास किस्म की नफरत और हकमारी का वक्त बन गया है।
तो आज हम लोग यहाँ से तथागत बुद्ध को याद करते हुए उस पूरी विरासत को याद कर रहे हैं जिसमें बुद्ध के बाद एक लंबी विरासत कबीर रदास से होते हुए डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, ज्योतिबा फूले की है, और जिसका जिसका सपना ये था कि सबको न्याय मिले, सबको समता मिले। और तथागत बुद्ध का तो दर्शन ही था करुणाशील और प्रेम का, सत्य व अहिंसा का। हमें लगता है कि हम अपनी विचारधारा को और अपनी जड़ों को क्लेम करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। जितने ही बुद्धिस्ट जितने स्थल हैं, विहार हैं, टेंपल हैं, उस पर जो कब्जा किया हुआ, उस पर एक्सरे मशीन कब चलेगा? सारे जगह बोध गया चले जाइए, सिरपुर इतना बड़ा जगह है, तो इनको जिन शक्तियों ने कब्जा कराया है, आज बुद्ध जयंती के अवसर पर हम लोगों ने इस मन से डिमांड रखा है कि भाई उनको बुद्धिस्ट जो टेम्पल हैं, जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं, जिनके कब्जे में हैं, उनके खिलाफ आंदोलन चलाया जाए और बुद्धा की और बुद्धिस्ट विरासत की घर वापसी कार्यक्रम हो। ऐसा है कि पिछली बार हम लोग यहाँ आए थे और हम लोगों ने दो मांग मुख्यमंत्री जी से की थी कि सिरपुर को वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल करने का प्रयास किया जाए, और दूसरी मांग थी कि यहाँ अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया जाए, स्थापित किया जाए। इससे जो पूरे विश्व का एकेडमिया है वो यहाँ आएगा और एकेडमिक टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा। तो राज्य शासन ने ये दोनों ही मांगे हमारी स्वीकार कर ली है। अब हम इस राज्य शासन से, मुख्यमंत्री से ये मांग कर रहे हैं कि अगली 14 अप्रैल को यहाँ कम से कम प्रशासनिक भवन, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन का उद्घाटन कर लिया जाए। हम ये मांग करना चाहते हैं जिससे ये जो पूरी विरासत है इस ये सही हाथों में इस्टेब्लिश हो और उनकी देख रेख हो सके, उसका अकादमिक तौर पर संरक्षण हो। ऐसे ही जानकारी से लगातार अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।